हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज एसएससी जीडी का एग्जाम था, तो कैंडिडेट के द्वारा आज हम फर्स्ट पहले शिफ्ट का एनालिसिस बताऊंगा कि कैसा गया क्वेश्चंस, कैसा क्वेश्चंस आया एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं कैंडिडेट के पास। कैसा क्वेश्चन आया था, क्या नाम हुआ आपने? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? जी, अटेम्प्ट तो सब कर लिए। 100 अटेम्प्ट किया। कैसा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन मैथ में थोड़ा हार्ड था। क्या क्या टॉपिक से पूछा गया था मैथ में? मैथ में ज़्यादा परसेंटेज था। परसेंटेज था कितना? और टाइम एंड वर्क से था। ठीक है, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? सब 100 अटेम्प्ट किया जी। और किसने एग्जाम दिया? क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। रोशन कुमार, कितना अटेम्प्ट किया आपने? नेगेटिव नहीं था इसलिए पूरा अटेम्प्ट किया। हाँ, नेगेटिव नहीं था इसलिए। करंट अफेयर्स आया था? हाँ, करंट अफेयर्स। क्वेश्चन याद है क्या? हाँ याद है। बोलिए, कोई क्वेश्चन बताइए। इमर्जिंग प्लेयर 2018 का पूछा गया था। ठीक है, और मतलब एक ठो था आर के नारायण, किसका बुक है? ठीक है, कितना करंट अफेयर्स पूछा गया था? तीन, लगभग तीन। तीन करंट अफेयर्स। और रीजनिंग में? रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? साइलो से क्वेश्चन थे, सिलोगिज्म थे, दो ठो थे, और स्टेटमेंट थे, तीन ठो क्वेश्चन। एग्जाम हो गया? और किस एग्जाम हुआ आपका? हो गया एग्जाम मेरा। हो गया। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 90+ किया है। 90+। हाँ, तो कैसे क्वेश्चन आए थे? प्रोबेबिलिटी थी, और क्या बोलता है कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी है। हाँ, और मेंसुरेशन था। ठीक है, और कितने क्वेश्चन थे मेंसुरेशन में? यही 4 या 5 क्वेश्चन थे। आयतन से, वॉल्यूम से थे कि एरिया से? आयतन और वॉल्यूम दोनों था। वॉल्यूम तो हाँ, वॉल्यूम। करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर केवल एक था, एक क्या दो था, दो क्वेश्चन था, दो या तीन। ठीक है, और किसने एग्जाम दिया? क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार, कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 89 अटेम्प्ट किया। 89 अटेम्प्ट किया। तो और बताइए, कैसे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, क्वेश्चन याद है, वो मतलब कुछ करंट अफेयर से थे, दो तीन क्वेश्चन। अच्छा, वो शिखर धवन वाला था, उसमें शिखर इमर्जिंग प्लेयर। हाँ, ठीक है, और मैथ में कुछ टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था। हाँ, पूछा गया। टाइम एंड वर्क से? घर में टिया मजदूर के बारे में था। अच्छा, ठीक है, और जी का कोई क्वेश्चन याद है? और जीएस का गिरमेटिया मजदूर आए। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन याद है क्या? क्वेश्चन याद है। अब बताइए कोई क्वेश्चन। जैसे करंट अफेयर में पूछा था इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? ऋषभ पंत। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा था कि मतलब किस स्थिति में, मतलब राष्ट्रीय पात या वित्तीय पात में कि कम किया जाता है, कितने अनुसूची है हमारे संविधान में? अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैथ उतना हार्ड नहीं था, लेकिन उसका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था। ठीक है, मतलब मॉडरेट मॉडरेट था, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड था, मतलब नॉर्मली मैथ। कितना अटेम्प्ट किया आपने? हम लोग तो 100 कर रहे हैं। नेगेटिव नहीं है इसलिए 100 अटेम्प्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन कैसा कहा जाएगा, इजी था, मॉडरेट था कि हार्ड था? मतलब मॉडरेट था। मॉडरेट क्वेश्चन। जी सर, भारत में आपातकाल कब किया गया? ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आज के 19 जनवरी के एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट में। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 98। कैसा क्वेश्चन था आज का? क्वेश्चन तो हार्ड ही था, मैथ में क्वेश्चन मैथ हार्ड था। और जीके? जीके सही था। जीके सही था। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए थे? करंट अफेयर से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पांच क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हरी, मुन्ना कुमार हुआ। मुन्ना कुमार, आपने एग्जाम दे दिया? यहाँ दे दिया। कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो इसमें नेगेटिव तो नहीं था, 100 कर दिए थे। 100 तो हाँ कर दिए। कोई क्वेश्चन याद है? ठीक है, हाँ क्वेश्चन याद है। बताइए कोई क्वेश्चन। जैसे बोला किस राज का मतलब लोक नृत्य नहीं है, कथ के लिए। अच्छा, ये सब हो गया। और सामाजिक बारे में बता रहा आपको क्वेश्चन, मतलब गुना में बहुत था, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा था। बहुत बढ़िया मैथ्स के क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन बहुत बढ़िया, मतलब उसमें टाइम चाहिए, लेकिन सब मैथ बन जाता लेकिन नहीं बना। टाइम टेकन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल। रीजनिंग क्वेश्चन क्या थे? रीजनिंग भी बहुत घुमा के दिया, मतलब एसएससी वाला रीजनिंग नहीं मिला था हमको, बैंकिंग वाला मिला। बैंकिंग डाल दिया, मतलब बैंकिंग साइलो सिटिंग अरेंजमेंट आया था क्या? बिल्कुल, हां सिटिंग अरेंजमेंट आया था। और जो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था कि स्क्वायर था, कैसा था सिटिंग अरेंजमेंट? नहीं, सर्कुलर था, बिल्कुल सर्कुलर था। अपोजिट डायरेक्शन में था क्या? बिल्कुल अपोजिट था। और रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ब्लड रिलेशन आया था क्या? ब्लड रिलेशन एक आया था। हाँ हाँ, और कोई क्वेश्चन याद हो आपको? और क्वेश्चन है याद, बहुत याद है, अभी बताते हैं आपको। जैसे पूछ दिया कि मतलब 2018 का मतलब इमेजिंग ऑफ इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ मार रहे हैं, ऋषभ पंत मार रहे हैं। और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन है अनुच्छेद से भी क्वेश्चन था। अनुच्छेद हाँ था, अनुच्छेद से क्वेश्चन एक था, एक था। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सब कैंडिडेट्स ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्योंकि कोई नेगेटिव नहीं था, इसलिए 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको एनालिसिस हमारे चैनल का? तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और आगे आने वाले हर एक एनालिसिस को आप हमारे चैनल पर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।